सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल है और आप लोग उसका मतलब एक बार 100 सब्सक्राइब होने के बाद उसमें कस्टम यूआरएल के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब हम लोग 100 सब्सक्राइब होने के बाद कस्टम यूआरएल ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कस्टम यूआरएल ले लेते हैं लेकिन बाद में उसको हमको चेंज करना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं ये चैनल दिखा देता हूं, रेंगो गेमर, इसका नाम पहले था मोबाइल से सीखो, लेकिन अभी इसका देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसका कस्टम यूआरएल क्या है और उसको चेंज कैसे करना है। सो यहां पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, चैनल के अंदर जाके फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर, स्टेटस एंड फीचर के अंदर आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, चैनल का नाम है रेंगो गेमर। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कस्टम यूआरएल जो इसका है वो है मोबाइल से सीखो, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो चैनल खुलेगा ना कि ये चेंज होने का ऑप्शन आएगा। सो इसको आप लोगों को कैसे चेंज करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि YouTube के नए नए अपडेट आ चुके हैं, ये क्रिएटर स्टूडियो भी बदल चुका है। पहले तो बहुत ही आसान था लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो करना क्या है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को इसमें आना है अपने चैनल के डैशबोर्ड में। अगर आप लोग मोबाइल पर यूज़ कर रहे हो तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो जो पोफिन ब्राउज़र आता है उसको यूज़ कीजिए और उसमें डेस्कटॉप साइट बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। सो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर चैनल के ऊपर क्लिक करना है, फिर एडवांस सेटिंग के ऊपर, फिर यहाँ पे आप लोगों को नीचे यूट्यूब अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर मतलब मैं नया वाला वर्जन का आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे सबसे नीचे आएगा एडवांस सेटिंग, सो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये मतलब हमारा जो कस्टम यूआरएल है वो ये है मोबाइल से सीखो, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने से ये चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करना कैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे अपने यूट्यूब अकाउंट में या कहीं पर भी रहना है, आप लोगों की जहाँ पर आईडी लगी हुई होती है उस पर क्लिक करना है अकाउंट पर, और यहाँ पर यहाँ से नहीं होगा थोड़ा, या मतलब मान लो यूट्यूब पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आएगा मैनेज योर अकाउंट, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है तो आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को ये पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना है, ठीक है, पर्सनल इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सबसे नीचे आएगा गो टू अबाउट मी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साइट्स नाम से एक ऑप्शन बना हुआ है और यहाँ पे कस्टम यूआरएल्स जो भी है हमारे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सो हमारे यूट्यूब का कस्टम यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल से सीखो दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइट्स का जो सामने एडिट का ऑप्शन है, जो पेंसिल का आइकन बना हुआ आ रहा है, इसको एडिट का ऑप्शन ही बोलते हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये देख लीजिए हमारा यूआरएल है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस का निशान आ रहा है, क्लोज का निशान, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देते हैं इस पर और यहाँ पर देख लीजिए आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिमूव योर कस्टम यूआरएल, जी हाँ हम श्योर है क्योंकि हमने नाम चेंज किया है तो हम लोगों को कस्टम यूआरएल भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से देख लीजिए हमारा जो कस्टम यूआरएल था वो यहाँ से निकल चुका जा चुका है। अभी हम लोगों को जाना है फिर से अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर और यहाँ से मतलब यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाना है और फिर आप लोगों को जाना है सेटिंग्स के अंदर और फिर चैनल के अंदर, फिर एडवांस सेटिंग के अंदर, फिर यहाँ पे नीचे जाके यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एडवांस्ड सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे देख लीजिए कस्टम यूआरएल, यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल, क्लाइम इट हियर। वहाँ से डिलीट करने से पहले यहाँ पर ये नहीं था क्योंकि यहाँ पर पहले नाम दिखा रहा था जो भी हमारा कस्टम यूआरएल था। सो अभी हम लोगों को इसको करना है क्लाइम इट हियर पर क्लिक और हम कस्टम यूआरएल जो भी था वो यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर रेंगो गेमर मैंने कर दिया क्लिक और आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम यूआरएल, जी हाँ, सो रेंगो गेमर नाम तो सही है ना, हाँ ठीक है। सो चेंज यूआरएल पे मैं क्लिक कर देता हूँ और देख लीजिए वंस यू कंफर्म दिस यूआरएल यू कांट चेंज इट अगेन और ट्रांसफर द यूआरएल टू समवन एल्स, ठीक है, हम लोगों को रेंगो गेमर ही करना है। सो कन्फर्म चॉइस पर मैंने क्लिक कर दिया और हमारे चैनल का मतलब वो चेंज हो चुका है कस्टम यूआरएल। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सही से, मतलब क्रिएटर स्टूडियो को खोल के वो एडवांस्ड एंड फीचर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप लोगों को मतलब फीचर एलिजिबिलिटी और यहाँ पे स्टेटस एंड फीचर
और यहाँ पर देख लीजिए रेंगो गेमर, पहले मोबाइल से सीखो था, अभी रेंगो गेमर आ चुका है। सो इस तरह करके आप लोग यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, पहले कंफर्म कर लीजिए। सो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल का मतलब यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल चेंज कर सकते हो। ये तरीका है क्योंकि आजकल नए अपडेट आ चुके हैं, सो इस तरह से आप लोगों को करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।